नमस्कार दोस्तों, मैं भोलेनाथ पांडे एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस समय हम लोग चैनल के ऊपर प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी में मैंने आप सभी को लगभग 4 वीडियोस दिए हैं जिसमें मैंने सैम्पल स्पेस और सैम्पल स्पेस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था। मुझे उम्मीद है कि आप वो सारे वीडियो क्रमशः पढ़ रहे हो और आप सभी को समझ में भी आ रहा है। जिस किसी को जो कोई भी डाउट हो रहा है वो सारे लोग कमेंट्स बॉक्स में उसको पूछ रहे हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई भी दे रहा हूँ। आप वो भी अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। दोस्तों, प्रोबेबिलिटी के इसी सीरीज में आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इवेंट। जी हाँ, आइए देखते हैं इवेंट क्या होता है और इवेंट के बारे में जो कुछ भी इसेंशियल नॉलेज है, जो कुछ भी जरूरी जानकारियाँ हैं प्रोबेबिलिटी में, हम सब उसको सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हेडिंग कर लेते हैं, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। और इसमें दोस्तों हम लोग को आज क्या डिस्कस करना है, हम लोग को डिस्कस करना है इवेंट के बारे में। जी हाँ, किसके बारे में, इवेंट के बारे में, इवेंट। ठीक है, इवेंट के बारे में डिस्कस करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इवेंट क्या होता है, ठीक है, ये जानने के पहले आप सभी को सैंपल स्पेस जानना होगा। सैंपल स्पेस क्या होता है ये मैंने अपने पहले वीडियो में डिस्कस कर दिया है आप सभी के साथ, फिर भी यदि मैं आप सभी को बताऊं तो मैंने बताया है कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो कोई भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ठीक है, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो कोई भी पॉसिबल आउटकम होते हैं उसका आप सेट बना देते हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे यदि दो क्वाइन को साइमल्टेनियसली टॉस किया जाए, ठीक है, यदि दो क्वाइन को साइमल्टेनियसली टॉस किया जाए तो जो पॉसिबल आउटकम मिलेगा वो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल मिलेगा। ठीक है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग टू क्वाइन साइमल्टेनियसली। ओके, दो क्वाइन को एक साथ टॉस करने का जो है ये क्या हो गया, वो उसका सैंपल स्पेस हो गया। अब इसी को एग्जाम्पल लेके हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक और सैंपल स्पेस में बताऊं तो किसी डाइस को थ्रो करने का, इसको S1 बोल देता हूं, इसको S2 बोल देता हूं, तो किसी डाइस को थ्रो करने का सैंपल स्पेस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हो गया। ठीक है, तो ये जो सैंपल स्पेस है ये क्या है, किसी डाई को एक बार थ्रो करने का, किसी डाई को एक बार रोल करने का, ये क्या है, सैंपल स्पेस है। अब इसी के आधार पर हम लोग इवेंट और इवेंट के टाइप्स वगैरह को हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, इवेंट जो है, सबसे पहले इवेंट को डिफाइन कर लेते हैं। तो यदि हम लोग बात करें इवेंट के डेफिनेशन की, कि इवेंट कहते किसको हैं, ठीक है, यदि हम पहले इसकी बात करें कि इवेंट कहते किसको हैं, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि किसी भी सैंपल स्पेस के सबसेट को। ठीक है, इवेंट, इवेंट, इवेंट इज द सबसेट, इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ एन ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप इस तरीके से जो है डिफाइन कर सकते हो इवेंट को, कैसे डिफाइन कर सकते हो, इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के, ठीक है, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के इवेंट इज द सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस के सबसेट को हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। जी हाँ, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस के सबसेट को, बिकॉज सैंपल स्पेस इज अ सेट इन इटसेल्फ। ओके, सैंपल स्पेस इज अ सेट इन इटसेल्फ, तो उसका जो सबसेट होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं पहले को ले लूं तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि अगर मैं बोलूं कि कोई डाई मैंने थ्रो किया, ठीक है, कोई डाई मैंने थ्रो किया और मैं वहाँ पे ले लेता हूँ कि इसमें से मैं कोई भी दो एलिमेंट ले लेता हूँ, कोई दो डाई मान लो मैंने थ्रो किया और उसमें से कोई दो इवेंट मैं मान लो मैं हेड हेड ले लेता हूँ और टेल टेल ले लेता हूँ, ठीक है, यहीं पर लिया हूँ, तो आप कह सकते हो कि ई जो है वो सबसेट है एस का, E इज द सबसेट ऑफ S, क्यों, क्योंकि भाई E के जो दोनों एलिमेंट है वो S में है, सॉरी S1, E के जो दोनों एलिमेंट है वो S1 में है कि नहीं है। सबसेट क्या होता है ये मैंने आपको सेट में पढ़ाया है, यदि आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, वहाँ पे सेट के सारे वीडियोज आपको एक जगह पे मिलेंगे, वहाँ पे जाके आप सबसेट का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। फिर भी यहाँ पे यदि मैं बताऊँ तो आप कह सकते हो कि कोई भी, अगर दो सेट है मेरे पास, एक सेट A है, एक सेट B है,
तो ए को बी का सबसेट कहते हैं जब ए के सारे एलिमेंट बी में पाए जाते हैं। इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर आल्सो फाउंड इन बी, ठीक है, ए के सारे एलिमेंट जब बी में मिलते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे ई में कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, हेड हेड टेल टेल, और ये दोनों एलिमेंट जो है एस वन में पाए जा रहे हैं, एस वन में है ना, यहाँ पे देखिए हेड हेड है और यहाँ पे क्या है टेल टेल है, तो आप कह सकते हो कि ई इज द सबसेट ऑफ एस वन। और इस केस में ई को हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। ई क्या बोलेंगे हम लोग, इवेंट बोलेंगे। क्यों इवेंट बोलेंगे, इसलिए इवेंट बोलेंगे क्योंकि ये जो ई है वो एक ऐसे सैंपल स्पेस का सबसेट है जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या है, सैंपल स्पेस है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, दो क्वाइन को साइमल्टेनियसली टॉस करना, उसका सैंपल स्पेस एस वन है और उसी का सबसेट है ये, तो इसलिए हम ई को क्या बोलेंगे दोस्तों, इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि इवेंट इज द सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस के सबसेट को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इवेंट कहते हैं। अब यदि आप सबसेट का कॉन्सेप्ट जानते हो तो आप इस चीज को रिलेट कर पाओगे, ठीक है। यदि आप सबसेट का कॉन्सेप्ट जानते हो कि यदि मान लो किसी भी सैंपल स्पेस में, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स यदि n हो, कितने हो, n हो, एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, मैंने इसके पहले भी जब सैंपल स्पेस आप सभी के साथ डिस्कस किया था तो बताया था कि इस ये एक एक पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट को हम लोग एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं, आप एलिमेंट भी कह सकते हो। तो यदि किसी सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट यदि n हो, तो आप जानते हो कि यदि किसी सेट में n एलिमेंट होता है तो पॉसिबल सबसेट कितना होता है, पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, 2^n होता है, आप जानते हो ये चीज। यदि नहीं जानते हो तो सेट थ्योरी मैंने पढ़ाया, वहां पे आप जाके देख लो, क्लियर हो जाएगा कि यदि किसी भी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो उसका जो पॉसिबल सबसेट होता है वो कितना होता है, 2^n होता है। तो इसीलिए मान लो इसी तरीके से किसी सैंपल स्पेस में n एलिमेंट होगा तो उसके भी पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, 2^n होगा। तो यहां से एक हम लोग रिजल्ट याद कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी भी सैंपल स्पेस में जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट n हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट क्या हो, n हो, तो उसका जो पॉसिबल नंबर ऑफ इवेंट होंगे, पॉसिबल नंबर ऑफ जो इवेंट होंगे, नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट, जो पॉसिबल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे वो भी कितना होगा, 2^n होगा। क्यों होगा 2^n, क्योंकि यही तो सबसेट है, और सबसेट ही क्या होता है, इवेंट होता है, सबसेट ही क्या होता है, इवेंट होता है। तो मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ पा रहे हो कि किसी भी सैंपल स्पेस में यदि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो n हो, या नंबर ऑफ एलिमेंट की जगह पे आप एलिमेंट्री इवेंट का भी यूज कर सकते हो, n हो, तो चूंकि उसका पॉसिबल सबसेट 2^n होगा, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट, तो पॉसिबल सबसेट यदि 2^n होगा तो उसका नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट भी कितना हो जाएगा, 2^n हो जाएगा, बिकॉज इवेंट इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ अ पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। जैसे यहीं पे आप देख लो, यहीं पे देख लो, पहला वाला जो एग्जांपल मैंने S1 वाला एग्जांपल लिया है, यहीं पे आप देख लो, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4 है, तो n की वैल्यू 4 है, तो 2^4 यदि आप 4 करोगे तो यू विल गेट हाउ मेनी, 16, ठीक है, 16। तो यदि आप यहाँ पे बनाना चाहो तो यू कैन फॉर्म 16 नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट। और पॉसिबल सबसेट कैसे बनाते हैं ये मैंने आप सभी को सेट वाले वीडियो में बताया है, आप वहां पे जाके चीजों को समझ सकते हो, देख सकते हो, तो ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आप कह सकते हो कि टोटल जो है इसके 16 इवेंट्स बनेंगे, कितने बनेंगे, 16 इवेंट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, अब कैसे बनेंगे वो आप समझ सकते हो, आप वो जाके देख सकते हो, ठीक है, आप वो वीडियो में जाके देखोगे कि कैसे हम लोग किसी भी सेट से सबसेट बनाते हैं, वो मैंने डिस्कस कर रखा है, पावर सेट वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, आप वहाँ पे जाके देखोगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से जो हमको समझना है वो यही समझना है कि इवेंट जो होता है सबसेट होता है किसी भी सैंपल स्पेस का, किसका, रैंडम एक्सपेरिमेंट के, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस है उसका आप जो है सबसेट लिख दोगे, दैट इज कॉल्ड इवेंट। और चूंकि हम जानते हैं कि यदि किसी सेट में n नंबर ऑफ आउटकम्स हो, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो उसका जो नंबर ऑफ सबसेट होगा वो 2^n होता है। इस रिजल्ट के बेस पे हम ये भी कह सकते हैं कि इफ एनी सैंपल स्पेस कंटेन n नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट,
देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स विल बी 2 to the power n अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ सबसेट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सबसेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि सबसेट हम लोग कहते किसको है। अब आइए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ये सबसेट के बारे में हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं सबसेट को और इसके टाइप्स को, आइए देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग ये समझते हैं थोड़ा सा, इसी जो हम चीज़ें हम लोगों ने थ्योरेटिकली डिस्कस किया है उसी चीज़ को थोड़ा कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक सैम्पल स्पेस ले लेता हूँ, ठीक है, सैम्पल स्पेस ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन, ठीक है, सैम्पल स्पेस ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन। तो यदि एक क्वाइन को दोस्तों हम लोग टॉस करेंगे तो सैम्पल स्पेस क्या बन जाएगा, हेड और टेल बन जाएगा। तो यदि यहाँ पे बात किया जाए कि एन की वैल्यू कितनी है, तो आप देखोगे एन की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू कितनी है 2 है। तो इस आधार पे यदि नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स कितना होना चाहिए, 2 to the power 2, दैट इज 4, कितना होना चाहिए 2 to the power 2, दैट इज 4। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखोगे इस चीज़ को समझोगे तो ये क्या हो जाएगा, यदि हम लोग 4 बनाए तो कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों कितने लोग कह रहे हैं जो सबसेट बनाना जानते हैं, जो सबसेट बनाना जानते हैं, सबसेट बनाना आप सभी को आना चाहिए, वो सेट थ्री का चैप्टर है। ठीक है, तो जो सबसेट बनाना जानते हैं वो कहेंगे कि सर एक तो देखिए यहाँ पे जो होगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इवेंट्स लिख रहे हैं, यहाँ पे इवेंट्स, ठीक है, हम लोग इवेंट्स लिख रहे हैं, पॉसिबल इवेंट्स हम लोग लिख रहे हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, कितने लोग कहते हैं सर फाई इज द सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट, फाई इज द सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट, सिंस एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट, तो यहाँ पे भी फाई क्या, फाई को कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे, किया जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि ईच एंड एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ईच एंड एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये भी मैंने डिस्कस किया है। तो इस बेस पे यदि आप देखोगे तो एक इवेंट क्या हो जाएगा, ये खुद हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा, क्योंकि हर सेट अपने आप का सबसेट पक्का होता है, तो इस बेस पे जो है ये क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा खुद ही का। ठीक है, अब और क्या हो जाएगा, कितने लोग कह रहे सर यदि एक एलिमेंट को यदि आप लोगे तो देखो ये बन जाएगा, ये भी इवेंट हो गया, और चौथा जो है वो क्या बन जाएगा, टेल को ले लेने पे। तो ये देखो 4 पॉसिबल सबसेट मिले कि नहीं मिले, ये 4 पॉसिबल सबसेट मिले, और यही क्या है, यही क्या है, दीज आर द पॉसिबल इवेंट्स। जी हाँ दोस्तों, यही क्या है, पॉसिबल इवेंट है, यही क्या है, पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, अब इसके बाद जो आप सभी को समझना है वो है अकरेंस ऑफ इवेंट, क्या समझना है, अकरेंस ऑफ इवेंट। ठीक है, इवेंट के अकरेंस होने की प्रोसेस को समझना है कि अकरेंस ऑफ इवेंट क्या होता है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे भी कोई नई बात नहीं है, अकरेंस ऑफ इवेंट का मतलब ये होता है, लेट सपोज आई हैव एन सैंपल स्पेस एस इक्वल्स टू, ठीक है, हेड हेड टेल टेल। ये किसका सैंपल स्पेस है, 2 क्वाइन को टॉस करने का सैंपल स्पेस है। अब यहाँ पे आप मान लो कोई इवेंट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे कोई इवेंट ले लेते हैं, और इवेंट ले लेते हैं कि जो 2 क्वाइन हम लोगों ने टॉस किया है, जो 2 क्वाइन हम लोगों ने टॉस किया है उन दोनों क्वाइन पे सेम हो, सेम का मतलब ये हो कि दोनों पे या तो हेड हेड आए या तो क्या है टेल टेल आए, या तो हेड हेड आए या तो क्या है टेल टेल आए। तो यदि यहाँ पे हम देखेंगे इस चीज़ को तो आप क्या कह सकते हो कि सर जो इवेंट आप लिखना चाहते हैं ना वो इवेंट हो जाएगा हेड हेड टेल टेल, भाई यही पॉसिबल आउटकम होगा। ठीक है, तो ये जो अब यदि बात किया जाए कि ये कोई भी इवेंट ई यदि है तो इसका अकरेंस होगा कि नहीं, ये इवेंट अकर होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये घटना घटित होगी कि नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि लेट सपोज ओमेगा, ओके, लेट सपोज ओमेगा इज एन एलिमेंट ऑफ इवेंट ई, और यदि ओमेगा बिलोंग्स टू ई होगा तो आप कहेंगे कि ई जो है वो अकर हुआ है, और यदि ओमेगा इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ई तो आप बोलोगे कि ई जो है वो अकर नहीं हुआ है, नॉट अकर्ड। ठीक है, नॉट अकर्ड, समझो इस चीज को। जैसे यहां पे जो हमने एक इवेंट ले लिया है, ठीक है, वो क्या इवेंट है, हेड हेड टेल टेल। यदि मान लो हम कोई इवेंट कराते हैं जिसमें हमको आउटकम हेड हेड मिल जाता है, मतलब 2 क्वाइन को हमने टॉस किया और आउटकम क्या मिल गया, हेड हेड मिल गया, तब तो आप बोलोगे कि इवेंट ई जो है वो अकर हुआ,
और यदि मान लो हमको हेड हेड या टेल टेल मिल के अलावा कुछ और मिल गया, दोनों कॉइन पे, एक पे हेड मिल गया एक पे टेल मिल गया, तो आप बोलोगे कि इवेंट ई जो है वो अकर नहीं हुआ, इवेंट ई जो है वो अकर नहीं हुआ। इसी चीज को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सैंपल स्पेस मैं ले रहा हूँ, 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ये किसका सैंपल स्पेस है? रोलिंग अ डाई। दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ रोलिंग अ डाई। अब यहाँ पे यदि हम एक इवेंट ले लें कि उस डाइस के ऊपर इवन नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2 4 6 हो जाएगा। अब बोला जाएगा कि इवेंट जो ई है, ई क्या है यहाँ पे? ई जो है वो एक इवेंट है। अब इवेंट ई जो है वो अकर होगा, अकर होगा, अकर होगा। क्यों होगा भाई? जब ओमेगा विल बी एलिमेंट ऑफ ई, ओमेगा विल बी एलिमेंट, ओमेगा का मतलब क्या है? ओमेगा कोई एक आउटकम है। किसका आउटकम है? उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। ओमेगा उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या है? कोई आउटकम है। यदि वो ई का एलिमेंट हुआ तो ये अकर होगा, एंड दैट वुड बी नॉट अकर्ड, ठीक है, ये अकर नहीं होगा तब जब जो है ओमेगा विल नॉट बी द एलिमेंट ऑफ ई। ओमेगा जो है वो ई का एलिमेंट नहीं होगा। कैसे? इस चीज को समझिए। मान लीजिए कि हमने जो रैंडम एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमको 2 मिल गया। क्या मिल गया? 2 मिल गया। क्या मिल गया? 2 मिल गया। तो सिंस 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ई, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ई, तो हम कहेंगे कि दिस इज द अकरेंस ऑफ इवेंट, अकरेंस ऑफ इवेंट ई, दिस इज द अकरेंस ऑफ इवेंट ई। और मान लो कि यदि हमको 4 मिल गया, सिंस 4 इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ई, तो ये भी वही बात हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि मान लो हमको 5 मिल गया, तो 5 तो इसका एलिमेंट नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड नॉट अकरेंस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉट अकरेंस, कि इवेंट ई जो है नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट ई, ई इवेंट का जो है वो अकरेंस नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अकरेंस ऑफ इवेंट का मतलब समझ पा रहे हो, कि अकरेंस ऑफ इवेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से जैसे कोई भी एलिमेंट होगा, सॉरी कोई भी सैंपल स्पेस होगा, उसका सबसेट लेके आप इवेंट बना लोगे, और उस इवेंट का कोई भी एलिमेंट यदि आ रहा है एक्सपेरिमेंट करने में, तब तो वो इवेंट पॉसिबल हो रहा है, तब तो वो इवेंट अकर हो रहा है। और अगर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है तो वो इवेंट अकर नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे इवेंट ई तभी अकर होगा जब 2 4 या 6 में से कोई नंबर आएगा एक्सपेरिमेंट करने के दौरान। यदि 5 आ गया या 3 आ गया, तो इसका मतलब ये वाला जो इवेंट है वो अकर नहीं हो रहा है, कोई और इवेंट अकर होगा। कोई और इवेंट का मतलब ये है कि इसका तो 2 to the power 6 पॉसिबल इवेंट होंगे ना, क्यों? 1 2 3 4 5 6 देर आर सिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, तो इसका पॉसिबल इवेंट 2 power 6 होगा। और इसका पॉसिबल इवेंट चूंकि 2 power 6 होगा, इसलिए यदि ये इवेंट अकर नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कोई और इवेंट अकर होगा। इसी तरीके से यदि यहां पे हम जो ये वाला एग्जांपल हमने लिया है, तो यहां पे इवेंट क्या है? हेड हेड टेल टेल। तो यदि सॉरी मुझे पसीना होता है थोड़ा सा, हेड हेड और टेल टेल में से कोई अगर एलिमेंट आ रहा है, कोई यदि आउटकम आ रहा है, तब तो हम कहेंगे कि ये इवेंट अकर हो रहा है। और यदि इनमें से कोई ना आके कोई और आ रहा है, जैसे हेड टेल आ रहा है, टेल हेड आ रहा है, ठीक है, या फाई आ जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो इवेंट है वो अकर नहीं हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अकरेंस ऑफ इवेंट का मतलब समझ पा रहे हो। फिर भी यदि आप सभी को कोई डाउट हो, तो आप उसको निसंकोच रूप से कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए कि सर यहाँ पे जो आपने बात कही है वो समझ में नहीं आया है। मैं वहीं पे आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, वहीं पे चीज़ों को समझाऊंगा, और यदि जरूरत पड़ी तो उस पर फिर से वीडियो बनाऊंगा, ये टॉपिक आपको फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है। देखिए मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो डाउट होना लाजमी है, ठीक है। कोई भी चीज़ किसी स्टूडेंट को समझ में आ जाता है, किसी को नहीं समझ में आता है, तो आप निसंकोच पूछा करिए, ठीक है। यदि वहाँ पे आंसर देने लायक होगा लिख के तो मैं दे दूंगा, जरूरत पड़ा तो मैं डाउट के लिए भी वीडियो बना दूंगा आप सभी के। अल्टीमेटली आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, आप सेटिस्फाइड रहो कि चीज़ें आपको समझ में प्रॉपरली आ रही हैं और आप मैथमेटिक्स सीख रहे हो, ये मेरा गोल है, ठीक है। मैं केवल यहाँ पे आया वीडियो बना के चला गया ऐसा नहीं है। आप सभी को डाउट हो रहा है, आप निसंकोच पूछो। आप मेरे हर वीडियो के नीचे जाके देख सकते हो, जो जो बच्चों ने डाउट पूछा है मैं प्रॉपर उनका रिप्लाई दिया हूँ, वहाँ पे आंसर दिया हूँ, ठीक है। एक आध अगर छूट जाते हैं तो आप फिर से क्वेश्चन कर दो, फिर से पूछो उसको, हो सकता है मेरे आँख के सामने ना आया हो तो मैं उसको दोबारा से देख लूंगा तो बता दूंगा, ठीक है। तो आप निसंकोच जो भी डाउट हो आप सभी को पूछा करो, डाउट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही, हम लोगों ने इवेंट के बारे में सीखा और अकरेंस ऑफ इवेंट के बारे में सीखा। बाकी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
यदि वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि आपके जो भी फ्रेंड कम्युनिटी है वो जान जाए और सभी लोग इस चीज़ को सीख पाए। मैथमेटिक्स जो मैं सिखा रहा हूँ सब बहुत अधिक लोग जुड़ेंगे तो फायदा सबका होगा। बाकी फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए, खुद को और देश को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।